कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मना करने के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए रेस शुरू हो गई है और जानकारों का यह मानना है कि बरसों बाद पार्टी की कमान गांधी नेहरू फैमिली से बाहर के लोगों को मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष की रेस आज से शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ना कहने के बाद कांग्रेस को कई सालों बाद कोई गैर गांधी अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पार्टी की कमान थामने के लिए बना नहीं पाई है, यानी ये कि राहुल गांधी अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं सोनिया गांधी ने भी स्वास्थ्य वजहों का हवाला देते हुए खुद को अध्यक्ष पद की रेस से दूर कर लिया है। सोनिया और राहुल के रेस के बाहर होने के बाद सभी की नजरें प्रियंका गांधी पर आ टिकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन उनकी राह का रोड़ा बन सकता है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर राहुल नहीं माने तो पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान किसी गैर गांधी के हाथों में जा सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को 1998 के बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। बता दें, कांग्रेस के सामने लंबे समय से नेतृत्व का संकट बना हुआ है और इसका हवाला देकर कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। एक के बाद एक हार ने भी कांग्रेस को काफी कमजोर कर दिया है।